वाह माँ, इसका कलर कितना सुंदर और प्यारा दिख रहा है। माँ क्या बना रहे हैं? आज हम बहुत स्वादिष्ट और ट्रेडिशनल कुछ मीठा बना रहे हैं। इसके लिए कढ़ाई में आधा कप पानी डालेंगे। पानी में जैसे एक उबाल आ जाएगा, इसमें बड़ी एक चम्मच हम घी का मिला देंगे। अब हम लोग अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये चावल का आटा है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चावल का आटा इस गर्म पानी में मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रहे यहाँ गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए धीरे धीरे करके चावल के आटे को अच्छे से मिलाते रहें। थोड़ा और पानी लगेगा तो बस, अगर पानी कम हो जाए तो थोड़ा और डाल देंगे पानी। टोटल कितना कप डालेंगे माँ? एक कप। अब ये हो गया है, थोड़ा थोड़ा बस मिला करके आटे को बस गर्म पानी और घी में थोड़ा मिला लेना है। जब ये मिल जाए अच्छे से तो फ्लेम बंद कर देंगे। और ये आटा निकाल लिया दूसरे बर्तन में, अब इसमें बड़े एक चम्मच घी डाल देंगे और हाथों से इसको ऐसे मिलाएंगे, मिलाते हुए गूंद लेंगे, एक नरम सा डो तैयार कर लेंगे। इससे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसल मसल के घी के साथ इसका आटा तैयार कर लेंगे। हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। एक कपड़े से इसको ढक के हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। एक पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे। ये हमने नारियल को अच्छे से घस के निकाल लिया है, 100 ग्राम नारियल हमने कद्दूकस किया। अब इसको डालेंगे, फ्लेम हम धीमी कर देंगे ताकि हमारा नारियल जले नहीं, और हल्के हाथों से अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गुड़ डाल देंगे। जब गुड़ डालेंगे तो थोड़ा सा उसको पीस के डालें। इससे क्या होगा कि हमारा नारियल जलेगा नहीं और गुड़ बहुत अच्छे तरीके से नारियल में मिल जाएगा। 4 से 5 छोटी इलायची का बीज का पाउडर डाल देंगे। डालते ही कितना अच्छा खुशबू आ रहा है इसका। बस इस पॉइंट पे अब हम अपने गैस को कर देते हैं बंद। वाह माँ, इसका कलर कितना सुंदर और प्यारा दिख रहा है। खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है। मेरे पेट में तो अभी से चूहे कूदने लगे। बस थोड़ा देर इंतजार करो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसे गोल गोल इसका लोई बना लेंगे आटे से, बिल्कुल इस तरीके से हल्के हाथों से हम इसको तैयार करेंगे। ये जो हमने बना के रखा है नारियल का, इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लेंगे और बस यहाँ रख देंगे। वाह माँ, ये तो काफी खूबसूरत दिख रहा है। हाँ, अभी और भी अच्छा बन जाएगा। मोदक का सांचा है, इसमें हमने थोड़ा सा घी पहले से लगा लिया है। अब इस सांचे में इसको रखेंगे, रख के इसे अच्छे से ऐसे दबाएंगे, यहाँ से भी थोड़ा दबा देंगे, नीचे से दबा देंगे और जो भी एक्स्ट्रा है इसे हटा लेंगे। कितना सुंदर निकल के आया सांचे से, देखो बहुत ही खूबसूरत। फिर हम एक अच्छे से लोई बना लेंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, अगर सांचा ना हो तो भी आप आराम से घर में मोदक बना सकते हैं। ऐसे उंगलियों से दबाते हुए इसे इस तरीके से करें, उंगलियों से दबाते हुए बिल्कुल कटोरी जैसा। और ये जो है स्टफिंग, इसमें ऐसे भरेंगे, मोदक वाला सांचा नहीं है, हाथों से भी आराम से घर पे बना सकते हैं। ऐसे आप कर देंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा दबाएंगे और बस इसको एक जगह ऐसे करके हल्के हाथों से। ये देखिए कितना सुंदर सा, हम लोग अपने बिना सांचे का घर पे हाथों से भी इतना सुंदर बना सकते हैं। वाह माँ, ये तो होममेड मोदक बना दिया। बिल्कुल होममेड है, हाथों से भी बनेगा, बिना सांचे का भी इतना सुंदर हम लोग घर पे बना सकते हैं। एक एक करके अच्छे से हम सारे मोदक बना लेंगे इसी तरीके से। हाँ।
पानी हमने गरम होने रख दिया है कढ़ाई पे। तब तक जल्दी जल्दी सारे मोदक में नीचे से ऐसे घी लगा लेंगे। पानी हमारा उबल रहा है और हम एक ऐसे जाली रख लेंगे इस पे। एक एक करके सारे मोदक को इस पे ऐसे रखते जाएंगे। घी लगा लिया है, इससे ये चिपकेंगे नहीं और अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। अब इसे हम ढक करके 20 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम कर लेंगे। 20 मिनट के बाद हमारा यह मोदक बिल्कुल से तैयार है। वाह, कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से हो गया है। इसे जब हम देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसे नरम और मुलायम लग रहा है ऐसे। थोड़ा सा दूध में हम केसर भिंगो के रख दिए, इससे हम थोड़ा सा ऐसे इसको सजा लेंगे। सुंदर दिखेगा। कितना सुंदर बन के तैयार हो गया है देखिए। अगर आप सबको मेरी माँ की यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि हमारी हर रेसिपी आप तक पहुँच सके।